गोंदिया शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोंगेजरा देवस्थान में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गाय का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि पोंगेजरा देवस्थान में कुछ दिनों पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीमार गाय को लाकर छोड़ दिया गया था, जो कुछ दिनों तक खाते पीते रही। जंगली जानवरों से उसे नुकसान न पहुंचे, इसके लिए उसे एक मंदिर के अंदर रखा गया। उसी स्थान पर चारा पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन बीमारी के चलते वह चलने फिरने की अवस्था में नहीं थी, जिसके बाद देवस्थान में पूजा पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालु उसे अपने हाथों से चारा खिलाते थे। लेकिन 29 अगस्त को गाय की अचानक से मृत्यु हो गई और वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर छोड़ चली गई, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृत गाय के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम हीरापुर के कोमल बोपचे, रवि कटरे, संदीप गौतम, विशाल पटले, अक्षय कटरे, गोवर्धन ठाकुर, जय ठाकुर एवं गोंदिया के सुनील रोकड़े, गोपाल शर्मा, विक्रांत लल्ला मिश्रा, गौरव शुक्ला, अनुज तिवारी, रुद्राक्ष गौतम ने सहयोग प्रदान किया। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत दिलीप कुमार मिश्रा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, श्रीनगर गोंदिया से मैं निवास स्थान है। हम यहाँ से गोंदिया से हम मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पोंगेजरा देवस्थान है, जहाँ पर हम अपने इष्ट मित्र मंडली के साथ में हर सोमवार को, सावन के प्रत्येक सोमवार को हम सुबह 4:30 बजे पूजा करने जाते हैं। और पिछले 15 अगस्त के समय में जब हम वहाँ पर गए तो किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी पालतू गौ माता को वहाँ पर छोड़ दिया था, जिसकी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हमारे मित्र मंडली ने सब देखा, उसको आटा, बेसन और गुड़ भी हमने खिलाया। फिर उसके बाद में जब हम 19 तारीख की सुबह वहाँ पर सोमवार को सब पूरे साथ में मंडली पूजा करने के लिए पहुँचे, तो गाँव वालों ने बताया और पंडित जी के जो पुजारी है वहाँ के, उन्होंने शुक्ला जी, उन्होंने भी बताया कि बोले गौ माता ने दम तोड़ दिया है। उपचार हेतु डॉक्टर भी वहाँ आया था, लेकिन गौ माता की हालत जो थी वो बहुत बीमारी के चलते गौ माता ने वहाँ पर दम तोड़ दिया। इसी को सब देखते हुए जंगल का जो वहाँ पर जंगली प्राणी उसको गाय को नोचे ना करके लिए, गाय हमारी माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही सब चीज़ें देखते हुए गांव ग्राम हीरापुर के निवासी और कुछ आसाल पानी के निवासियों ने हमको मदद की। हमारे मंडल ने, हमारे जो समाज सेवी जो भाई है, गोपाल भैया शर्मा है, सुनील जी रोकड़े है, भाई गोविंद शुक्ला है, और हीरापुर निवासी जो ठाकुर काका है, उनके मदद से, सबके सहयोग से हमने टिकास पावड़ा लेकर के वहाँ पर गड्ढा खोद करके विधि विधान से पंडित जी के उपस्थिति में गौ माता का अंतिम संस्कार किया। धन्यवाद। महानिल सेवन के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया, महाराष्ट्र। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालों, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।